नमस्ते, मैं डॉक्टर मुकेश शाह एक त्वचा रोग तज्ञ हूँ और कल्याण डोंबिवली में पिछले 25 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको संक्षिप्त में बाल झरना, बालों के लिए कुछ संदेश देना चाहूँगा। जब भी बाल झरते हैं तो मैंने देखा है अभी मेरे इस प्रैक्टिस में कि हाँ, पेशेंट बहुत घबरा जाता है कि सारे बाल झर जाएंगे और मैं टकला हो जाऊंगा। तो 90% पेशेंट्स में ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत हजार में एक कोई बीमारी है, वो अलग बात है। ज्यादातर के जो बाल झड़ने की समस्या है वो 100% रिकवरेबल है, यानी उसको क्योर है। तो पहली बात मैं संदेश देना चाहूंगा कि जरा भी आपको डरना नहीं है। और IADL सर्टिफाइड, जैसे MBBS के बाद MD स्कीम या DVD करने वाले जो हमारे डॉक्टर है त्वचा रोग तज्ञ, उनको मिलना है और वो आपके बाल स्कार्प को एग्जामिन करेंगे और जो भी है आपको सही राय देंगे। जो बेस्ट उसमें मैं बताना चाहूंगा कि हमको जंक फूड से बंद करना है, पेप्सी कोला और चाइनीज और चॉकलेट्स, मैगी नूडल्स, ये चीज हमको कम से कम खानी है। और बाल प्रोटीन से बनते हैं तो प्रोटीन रिच डाइट, यानी कि स्प्राउट्स, पनीर, सोया, राजगीरा, अगर आप एक खाते हो तो एक का भाई, ये फूड आपको लेना है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये खाना है तो 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा, मैंने देखा है कि पेशेंट बोलता है कि फौरन रिजल्ट मिले, तो पहला एक महीना आपको पेशेंस रखना है। एक महीना जैसा होगा, जैसे आपने आपका डाइट चेंज किया, डॉक्टर के पास से कोई विटामिन की सप्लीमेंट डॉक्टर आपको देंगे, प्रोटीन पाउडर देंगे, तो महीने के बाद आपको रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएगा और 2 या 3 महीने में 100% आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। और एक बात कि जैसे कोई भी हमको बड़ा बुखार, कोई बड़ी बीमारी जैसे टाइफॉइड, मलेरिया, डेंगू और आजकल कोविड अगर होता है, तो उसमें से हम रिकवर हो गए उसके 2-3 महीने बाद, जिसको हम डर्मेटोलॉजी स्टीलोजन इफ्लुएम कहते हैं, एक बाल झड़ने लगते हैं और हमको लगता है कि बस अभी सारा बाल मतलब निकल के टक्कर हो जाएगा, तो ये नेचुरली रिकवर होता है। जैसे आपको कोई बीमारी की वजह से ये हुआ है तो 100% रिकवर होता है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। और एडवर्टाइज्ड किए हुए बड़े हेयर क्लिनिक्स में जाके ज्यादा पैसा देने की जरा भी जरूरत नहीं है। धन्यवाद। दूसरी, जैसे एक कॉमन बीमारी है जिसको हम कहते हैं एलोपेशिया एरियाटा, या मराठी में कहते हैं चाई, यानी गोल 1 रुपए का कॉइन के जैसा एक चट्टा आ जाता है जहां पे बाल नहीं रहते, तो ये अलग चीज है। जहां पे मैंने जो पहले बताया वो सब तो खाना वगैरह का जो चेंजेस आए गए, लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट वहां पे आपको एक क्रीम दे सकता है, कभी कभी हम लोग उसके अंदर एक इंट्रालिजनल इंजेक्शन देते हैं, तो वो भी समस्या इजीली रिकवर कर सकते हैं। अभी ज्यादा करके कॉमनली जो पेशेंट मुझे पूछते हैं कि सर बालों के लिए मैं क्या करूँ, क्या केयर करूँ, हेयर ऑयल के बारे में अपने देश में लोग ज्यादा ही प्रभावित है और मैजिक सोचते हैं, तो मेरा ये आपको एक संदेश है कि एक ऑर्डिनरी कोकोनट ऑयल भी वही काम करेगा जो आपको कुछ महंगा बादाम तेल या 500-600 रुपए का तेल जो एडवर्टाइज करके देते हैं, तो ज्यादा पैसे तेल में नहीं डाल के, तेल का काम है थोड़ा सा लुब्रिकेशन जो बालों को करता है। तो मैं बताता हूं कि हफ्ते में 2 बार कम से कम उनको शैम्पू करना है, तो शैम्पू करने के अगले दिन रात को आप थोड़ा सा तेल लगाओ तो दूसरे दिन आपको शैम्पू करना है। 2-in-1 शैम्पू ज्यादातर के यूज नहीं करना चाहिए कि वो गलत है। तो कोई भी आपको जो पसंद है, एक शैम्पू की बॉटल पहले आप ले लो, बालों को आप शैम्पू लगाओ, 2-3 मिनट वेट करो, देन यू रिंस योर हेयर, बाल को धो डालो, उसके पीछे बाल शैम्पू आपके स्काल्प के अंदर जाएगा। आपने धो लिया, फिर कंडीशनर की बॉटल खोलो और कंडीशनर आपके बालों को लगेगा, वापस आपको 2-4 मिनट रुकना है और वापस धोना है। बहुत गर्म गर्म पानी यूज करने की जरूरत नहीं है। और फिर धो के बाहर आके जैसे हमारी दादी कहा करती थी फिर तेल लगाओ, वो अभी इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी पॉल्यूशन बहुत है और आप शैम्पू कंडीशनर करके बाहर आके बालों को आधा पोछिए, एकदम जोर जोर से ड्राई नहीं करिए। और वो कुछ मैंने देखा है कि पेशेंट्स वो ड्रायर यूज करते हैं, हॉट ड्रायर जोर जोर से, वो गलत है। आप हल्के से आपके टॉवेल से आधा पोछिए, उसके ऊपर आधे गीले बालों के ऊपर चाहे तो आप बालों के जगह पे
हेयर सीरम लगा सकते हो कि जो एक्चुअली तेल के जैसा ही रहेगा, अनकॉमेबल बालों को भी वो सेटल कर देगा, लेकिन ऑयल वातावरण की धूल मिट्टी को अट्रैक्ट करता है और डेंड्रफ की समस्या बढ़ती है। तो शैम्पू करने के बाद ऑयल लगाना ज्यादा उचित नहीं है।